हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समोसे की रेसिपी, जिसके लिए मैंने आलू उबाल के ले लिए हैं और ये लिया है मैंने मैदा और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और ये नमक लिया है मैंने एक चम्मच और ये है सौंफ एक चम्मच, अजवाइन एक चम्मच और धनिया कटा हुआ और मिर्ची, धनिया मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैदे में अजवाइन डाल लेंगे और डालेंगे नमक। तो ये लगभग 300-400 ग्राम मैदा है और अब डाल लेते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एकदम छोटा चुटकी भर, इससे बहुत ही अच्छा क्रंची समोसा बनता है। और अब डाल लेते हैं इसमें मोयन के लिए घी, तेल आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 बड़े चम्मच लिया है। और घर के बने समोसे की बात ही कुछ और होती है। और अब इसको गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा टाइट आटा गूंथा है इसका। और अब बना लेते हैं जो मसाला भरते हैं ना उसमें समोसे में आलू का, तो वो बना लेते हैं। जिसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मेरे यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा यूज होता है। और अब इसके लिए नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और ये आमचूर पाउडर लिया है। हल्दी नहीं डालूँगी मैं इसमें, आप चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये लिया है मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा किचन किंग जो आता है। और अब इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और अब डाल देते हैं इसमें सौंफ। और अगर आपके पास खड़ी वाली जो धनिया होती है वो है तो उसको भी क्रश करके डाल दीजिए। और ये मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हींग। तो धनिया से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मेरे पास धनिया नहीं था। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन भी चल रहा है तो कम चीज़ें ही मिल रही हैं बाहर से। और ये डाल दी मैंने हरी मिर्च जो है उसमें काम चला लेते हैं। और अब इसमें डाल देंगे क्रश करके आलू। तो आलू थोड़ा बड़ा बड़ा रखिए आप लोग, अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये इतना बड़े बड़े टुकड़े आलू के डाल रही हूँ मैं, एकदम से बारीक नहीं करूँगी। और इस तरह से मैंने सारे आलू डाल दिए और अब इसको चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे मसाले। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची पाउडर और नमक अपने हिसाब से डालिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक तो अमचूर पाउडर डाल देते हैं पहले 1 चम्मच। और अब ये डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो धनिया भी मैंने साथ में ही डाल दी क्योंकि ये धनिया थोड़ी सी सूख गई थी तो मैंने साथ में डाल दी। अगर फ्रेश धनिया होती है तो आलू गैस बंद करके भी इसको डालो तब भी वो हो जाती है। और मेरी कढ़ाई हिल रही है तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ। और ये देखिए मसाला बनके तैयार है। और अब इसमें लास्ट में डाल देते हैं ये किचन किंग मसाला। तो आप ये मत सोचिए मैं पूरा डब्बा डाल रही हूँ, उसमें लगभग 1 चम्मच के करीब ही था गरम मसाला। तो मैंने सोचा क्या किसी और बर्तन में निकालना तो इसी से डाल देती हूँ।
और ये मसाला इतना टेस्टी है कि आप ऐसे ही इस मसाले को रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए आप लोग, मसाला कितना अच्छा बन के तैयार है। और अब इसको ठंडा होने देंगे और तब तक वेट करेंगे। तो मसाला ठंडा हो चुका है और अब ये समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लगभग 1.5 रोटी के करीब की आपको लोई लेना है। तो जैसे आप रोटी के लिए लोई बनाते हैं तो आप 3 का 2 कर लीजिए। इस प्रकार से जैसे 3 लोई बनाई और तो उसमें से 2 लोई बनाना है आपको, और इसको लंबा लंबा बेलना है। तो ये देखिए आप लोग, ऐसे इस तरह से लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलना है। तो ये मेरा बेल के रेडी हो चुका है और अब इसको बीच से बराबर काट लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको समोसा कैसे बनाते हैं। तो बस ये ऐसे फोल्ड करके और बीच से दबा के अब इसमें बीच में भर देंगे आलू। तो चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो चटनी भी आप इस समोसे के साथ बना लीजिए। और ये बीच वाला हिस्सा बीच में करके और साइड से ऐसे दबा के ऐसे समोसा बना लेंगे। बना है ना बिल्कुल हलवाई जैसा, ये देखिए आप लोग। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो पहले एक बार इसको पूरे समोसे बना लेते हैं, फिर बाद में इसको सेकेंगे। तो ये लीजिए, दूसरा भी बन गया, ये देखिए। और अब रख दी है मैंने कढ़ाई, समोसे पूरे बन के तैयार हो चुके हैं। और इसमें डाल दिया है ऑयल, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और इसमें थोड़ा सा टुकड़ा आप आटे का, मैदे का लीजिए और डाल के देखिए तुरंत वापस आ जाए। तो तेल गर्म हो चुका है मेरा, तुरंत वापस आ गया वो टुकड़ा ऊपर। तो बस बहुत ज़्यादा तेज़ गैस मत रखिए, क्योंकि फिर उसमें दाने पड़ जाएंगे समोसे में और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे से सिक नहीं पाएगा, ऊपर से जल जाएगा, अंदर कच्चा रहेगा। तो आप धीमा ही रखिए गैस को। बस इस तरह से सिकने देंगे इसको। तो पहले मैंने नीचे की साइड उसको रखा है, क्योंकि नीचे की परत मोटी है, डबल फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर। पहले उसको अच्छे से सेक लेंगे और फिर धीरे धीरे से पलट के चारों तरफ से समोसे सेक लेंगे। तो लॉकडाउन के चलते भी आप समोसे को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इतने अच्छे समोसे, एकदम हेल्दी और टेस्टी। तो ये लीजिए, समोसे सिक के लगभग रेडी हो चुके हैं, बस 2-5 मिनट और लगेंगे। और ये देखिए आप लोग, कितने अच्छे समोसे बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप लोग देखते रहिए। ये मैंने दोबारा के भी समोसे डाल दिए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पास से कि समोसे कैसे बने हैं।
ये देखिए एकदम क्रंची, ये तोड़ के दिखाती हूँ मैं, बहुत गर्म है ये। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा समोसा बना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।